रहा है। कितना किया आप? 53। अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स का कैसा रहा? मैथ्स थोड़ा लेंदी लगा। मैथ ज़्यादा टाइम किस में लगा? मैथ में ही लगा, क्योंकि रीजनिंग अटेम्प्ट अच्छा था। ओके। डी आई किए कि नहीं मैथ्स से? दो डी आई किए, एक कैसलेट छोड़े। एक कैसलेट छोड़ दिए? हाँ जी। फिर डी आई किस पे बेस्ड था? मतलब थोड़ा कॉफ़ी का बीन्स पे, दो कंट्री का था कि एक प्रोडक्शन कितना होता है, ये कितना करता है। पहले बूथ का ग्राफ था, पाई चार्ट, फिर एक सिंगल ग्राफ पाई चार्ट था और परसेंटेज का, फिर उससे जो बचेगा वो तीसरा का अलग कट जाएगा। फिर एक और था उसमें थोड़ा सेल्स पे था जी। कितने क्वेश्चन ड्यूएबल लगे? डेबल तो सब देखा, लेंदी थे, इसी कारण छोड़ना पड़ा। मैं क्वांट बहुत लेंदी लगा, क्वांट ज़्यादा लगा जी। कितना टाइम आप उस पे दिए क्वांट पे? क्वांट पे 25 मिनट। 25 रीजनिंग में? 20 जी। ठीक है। अच्छा रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया इस शिफ्ट में? रीजनिंग में मतलब स्टार्ट मतलब सभी टॉपिक था, नॉर्मल मतलब बेसिक था, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं था, जो मतलब वेरिएबल बिल्कुल नहीं था लगा। 2022 वाला दिए थे आरआरबीपीओ आप? जी नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार आरआरबीपीओ देने का? बहुत अच्छा लगा। अच्छा जो मॉक लगा रहे थे उसी पे बेस्ड था या फिर कुछ डिफरेंस दिखा? नहीं, डिफरेंस बिल्कुल नहीं था। कोई प्रिडिक्शन कट ऑफ को लेकर के एज यूजुअल या फिर कुछ चेंज होगा? नहीं, थोड़ा सीट कम है तो थोड़ा हाई जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इस बार बिहार का एक ही सीट पे निकला है, एक ही बैंक पे निकला है, तो कट ऑफ पिछले बार शायद 53-54 था, इस बार 58 तक जाने का चांस लग रहा है जी। ओके, आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पटना आपका कैसा रहा? बढ़िया, पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। आप कितना बनाए? 55 बनाए हुए। अच्छा अटेम्प्ट है। कैसा क्वेश्चंस लगा दोनों में? एक्चुअली रीजनिंग का पेपर नॉर्मल था। चार सेटिंग पजल चार थे, मिसलेनियस के तीन सेट थे, सीलॉग्स थे, इनइक्वालिटी थे। और अगर मैथ के क्वांट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कल के शिफ्ट के अनुसार उससे थोड़ा सा लेवल अप था। अच्छा। तो उसमें अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे और नंबर सीरीज थे 5 क्वेश्चन, और DI 2 DI थे जिनमें से एक मॉडरेट था, एक क्वेश्चन एक DI उसमें से इसी लेवल का था, और इसके अलावा एक के स्टेट था 5 नंबर का और डाटा एफिशिएंसी था 5 नंबर का। 2022 वाला आपने पेपर दिया था? दिया था, उसमें मेरा प्री हुआ था, मेंस हुआ था। अगर उससे हम कंपेयर करें तो आज वाला पेपर कैसा है? थोड़ा सा क्वांट का लेवल थोड़ा सा उससे अप था। ओके। कुछ चेंजेस दिखेगा कट ऑफ में या फिर वही जाएगा? नहीं, बिल्कुल चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि और सब शिफ्ट के मुकाबले जैसे कल चारों शिफ्ट हुआ था, तो जिस शिफ्ट में कैसलेट था तो उसमें डाटा सफिशिएंसी नहीं था, लेकिन आज वाले शिफ्ट में क्या हुआ ना कि डाटा सफिशिएंसी के भी 5 क्वेश्चन था और कैसलेट भी था। ऐसा बेसिकली ऐसा नहीं हो पाता होता है। यदि नंबर सीरीज और जैसे स्पीड मैथ का 3 सेट रहता है तो एक कैसलेट रहेगा, और स्पीड मैथ का 2 सेट रहेगा तो कैसलेट या फिर डाटा सफिशिएंसी, लेकिन इसमें क्या था ना कि दोनों दिया हुआ था, डाटा सफिशिएंसी भी और कैसलेट भी, इसीलिए और कल के चारों शिफ्ट के मुकाबले आज वाला शिफ्ट जो था ना थोड़ा सा लेवल अप था। हालांकि मेरा अटेम्प्ट अच्छा था बाकी स्टूडेंट के मुकाबले, सब लोग बोल रहे हैं कि 50 से नीचे ही अटेम्प्ट है। अच्छा। मैं खुश हूँ। अच्छा डाटा सफिशिएंसी का जो सवाल था वो किस पे बेस्ड था? वो था अर्थमेटिक पे बेस्ड था, जो उसमें अर्थमेटिक पे ही बेस्ड था, प्रॉफिट एंड लॉस पे था, एवरेज पे था और एजेस पे था, 5 क्वेश्चन इस तरह से। कैशलेस? कैशलेट थे वो, मंथ के अनुसार थे, जैसे ABCD 4% है और फरवरी जनवरी और फरवरी 2 मंथ दिए हुए थे, और एक्स वेरिएबल पे उसको हम लोगों को सॉल्यूट करना था। कोई फीडबैक पेपर देखते हुए? पेपर देखते हुए फीडबैक यही रहेगा आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए कि एटलीस्ट क्वांट के लिए जो है ना वो इंटरफेस का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब ठीक है। ओके, आई विश योर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा भैया? ठीक रहा। ठीक रहा। कितना बना है? 51। 51। हाँ। ज़्यादा टाइम किस पे गया? ज़्यादा टाइम मैथ में। मैथ में कितना लग गया उसमें? मैथ में लगभग 25 मिनट। 25 मिनट। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा? हाँ, थोड़ा सा टफ था। टफ लगा? हाँ। क्या ज़्यादा टफ लगा, DI या फिर मिसलेनियस वाला पार्ट? मिसलेनियस वाला। मिसलेनियस क्या क्या पूछा मिसलेनियस में शिफ्ट में? अप्रोक्सीमेशन था। उसके बाद ये था टाइम एंड वर्क था। अच्छा। और नाव वाला था। अच्छा। यही सब था। कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं पूरा फंस गया, 2-4 मिनट खींच लिया उसी में? वैसा को छोड़ दिए। हाँ, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था? मतलब रीजनिंग का पजल थोड़ा लेंदी था। अच्छा, तो वो छोड़ दिए आप? हाँ, मतलब छोड़े नहीं, अटेम्प्ट किया है बट ज़्यादा समय नहीं दे पाए। अच्छा, ठीक है। 2022 वाला पेपर आप दिए थे? नहीं, पहला ही पेपर दिया RRBPO का। पहला ही पेपर था। पहली बार बैठे RRBPO के एग्ज़ाम में, कैसा एक्सपीरियंस लगा, किस तरह का सवाल लगे आपको? एक्सपीरियंस ठीक रहा बट अभी और मेहनत का ज़रूरत है। अच्छा, प्रैक्टिस का ज़रूरत है। मॉक तो लगाते होंगे ना? जी। किसका मॉक लगाते थे आप? गाइडली का। अगर हम उससे कंपेयर करें आज के पेपर का तो कैसा है? अच्छा है। सिमिलर पैटर्न या फिर कुछ चेंजेस है मतलब उससे कंपेयर में? गाइडली तो थोड़ा टफ ही देता है। अच्छा, तो उससे थोड़ा सा लो?
हाँ उससे थोड़ा सा लो। क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, कुछ बदलेगा या फिर वैसा ही रहेगा? अब ये तो अनुमान नहीं है, बट मेरा नहीं हो पाएगा, 51 ही गया है लगभग, 55 से 60 के करीब में, मतलब 55 टू 60 अटेम्प्ट करना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट, मतलब जिसका होगा उसका हो सकता है। ओके, आई विश फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर का अच्छा था, कितना अटेम्प्ट किया आपने? लगभग 50 के आसपास। हाँ, ज़्यादा टाइम किस में लगा? मैथ रीजनिंग में। मैथ रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया दोनों सेक्शन में आप? लगभग 1 में 30, 1 में 20 की ज़्यादा नहीं हो पाया। क्वेश्चन डुएबल लगे। हाँ। डीआई किया कि नहीं आपने? हाँ किया, थोड़ा बहुत। डीआई किस पे बेस था? नेक्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक ही था। कितना किया आपने? 51। अच्छा अटेम्प्ट है। कितना टाइम लगा दोनों में बारी बारी से करने में? 20 मिनट लगा और 25 मिनट लगा। 20-25। ज़्यादा किस में? रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा लगा। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया इस शिफ्ट में? रीजनिंग में पजल का क्वेश्चन था और रॉन्ग नंबर सीरीज जो रहता और मिसिंग नंबर था, यही सब था। और क्वांट में? क्वांट में क्या बोलता है, कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। डीआई किए कि नहीं आप? डीआई था, किए दोनों। डीआई कर लिया? हाँ। डीआई किस पे बेस्ड आ रहे हैं? डीआई वही ग्राफ पर कंपनी वाला दे रहा। अच्छा, कंपनी ए बी करके। अच्छा, जो क्वेश्चन बनाना था डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था या फिर थोड़ा कैलकुलेशन था उसमें? कैलकुलेशन वाला कर सकते हैं। हाँ। कितने क्वेश्चन? कम क्वेश्चन था। अच्छा, कितने क्वेश्चन डुएबल लगे? मतलब हम तो जितना किए 51 तो सही था। कोई प्रेडिक्ट करेंगे कट ऑफ एज यूजुअल या फिर कुछ चेंज होगा इस बार? 50 प्लस ही रहना चाहिए। 50 प्लस कट ऑफ रहना चाहिए। आई विश फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा रहा, अच्छा रहा। कितना का किए आप? लगभग 45। लगभग 45 दोनों में कितना कितना? ये तो नहीं देखा। अच्छा कोई नहीं। ज़्यादा टाइम किस में लगा? रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगा। ज़्यादा टाइम लगा। डी आई किए कि नहीं मैथ से आप? डीआई नहीं, नहीं देख ही नहीं पाए डीआई नहीं। अच्छा, मिसलेनियस वाला क्वेश्चन? हाँ वो सब किए। मिसलेनियस किस पे बेस्ड है? मिसलेनियस में तो सारा मिक्स था, पाई चार्ट पे भी था, अर्थमेटिक वगैरह भी था और कुछ वो रीजनिंग टाइप जो होता है वो भी था, पजल्स टाइप। अच्छा सारा मिक्स था। ठीक है। क्वेश्चन था रीजनिंग में क्या क्या? रीजनिंग में वही था, सीटिंग अरेंजमेंट था, यही सब था और वो वगैरह वो सब था कि ए ने इंजीनियरिंग किया, बी ने कोई इंजीनियर है वो उसके पीछे है, बी इंजीनियर नहीं है, ऐसा वाला जो था। अर्थमेटिक? अर्थमेटिक में सारा लगभग वही था, प्रॉफिट लॉस था, डिस्काउंट वाला था, पार्टनरशिप था और पाई चार्ट वगैरह था। 45 अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी पे कितना गया है? वही तो नहीं, वहाँ इतना प्रेशर था कि ध्यान नहीं दिया, अब घर में जाके सोचेंगे। 45 मिनट्स में आपने 45 क्वेश्चन बनाया? जी नहीं, 40 मिनट था। Okay. 45 मिनट। ओके, आई विश फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा? आपने कितना किया? हमने 50 अटेम्प्ट। 50। अच्छा अटेम्प्ट किया आपने।